अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कोला कोला सिटी म्यूनसिपल काउंसिलर के लिए इस बार 15 मुस्लिम काउंसिलर मुंतखब हुए और 20 हमारे हिंदू भाई भी इस बार दो एक्स प्रेसिडेंट वो मुंतखब हुए, उनके नाम नाजिया बाबजान और मुबारक पाशा। तो इस बार सिटी म्यूनसिपल काउंसिल के लिए मुंतखब हुए होने वाले इंतखाबात मरतबा कांग्रेस पार्टी के 12, जेडीएस के 8, बीजेपी के 3, एनसीपी के 4 और 8 आजाद काउंसिलर श्वेता। वार्ड नंबर 2 से जेडीएस के वार्ड नंबर 3 से कांग्रेस की नारायण अम्मा, वार्ड नंबर 4 से कांग्रेस के प्रसाद बाबू, वार्ड नंबर 5 से आज़ाद उम्मीदवार वार्ड नंबर 6 से कांग्रेस के बीएम मुबारक एक्स प्रेसिडेंट, वार्ड नंबर 7 से जेडीएस के सुरेश बाबू, वार्ड नंबर 8 से कांग्रेस की पावना, वार्ड नंबर 9 से आज़ाद उम्मीदवार के अश्वथ, वार्ड नंबर 10 से बीजेपी की रंगम्मा, वार्ड नंबर 11 से आज़ाद उम्मीदवार वी मंजुनाथ, वार्ड नंबर 12 से जेडीएस के राकेश, वार्ड नंबर 13 से जेडीएस के मंजुनाथ, वार्ड नंबर 14 से बीजेपी के एस आर मुरली गौड़ा, वार्ड नंबर 15 से आज़ाद उम्मीदवार संगीता, वार्ड नंबर 16 से एचडीपीए के फ़ेरोज़ खान, वार्ड नंबर 17 से निकहत शामिर, वार्ड नंबर 18 से समीउल्ला, वार्ड नंबर 19 से कांग्रेस उम्मीदवार बी असलम पाशा, वार्ड नंबर 20 से बीजेपी के सौभाग्या, वार्ड नंबर 21 से जेडीएस के हिदायतुल्ला, वार्ड नंबर 22 से जेडीएस के शमाताज, वार्ड नंबर 32 यानी कि 20 पर 3 से कांग्रेस के नसरीन, वार्ड नंबर 24 से आज़ाद उम्मीदवार के वी मंजुनाथ, वार्ड नंबर 25 से घनाशेखर, वार्ड नंबर 26 से कांग्रेस के भाग्यम्मा, वार्ड नंबर 27 से के लक्ष्मी देवम्मा, वार्ड नंबर 28 से ख्वाजा मोइनुद्दीन खाखिशा मोहल्ला, वार्ड नंबर 20 पर 9 से कांग्रेस के अम्बरीश, वार्ड नंबर 30 से आज़ाद उम्मीदवार नूरी खमर, वार्ड नंबर 31 30 पर 1 से कांग्रेस के सैयद अफसर, वार्ड नंबर 30 पर 2 से जेडीएस के नगमा ताज, वार्ड नंबर 30 पर 3 से कांग्रेस की नाजिया बाबजान, वार्ड नंबर 30 पर 4 से कांग्रेस के मुबीन ताज शफी और वार्ड नंबर 30 पर 5 से आज़ाद उम्मीदवार तहसीन ताज एजाज ने कामयाबी हासिल की। इस मरतबा कोलार म्यूनसिपल काउंसिल की तारीख में पहली मरतबा 15 मुस्लिम काउंसिलर मुंतखब हुए। अब इस बात का इंतज़ार है कि कोलार सिटी म्यूनसिपल में प्रेसिडेंट का ताज किसके सर जाएगा, या कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनेगा या जेडीएस का, या कांग्रेस में 2-3 रकम की कांग्रेस है या उनके सर जाएगा। तो आगे आप अपने इस चैनल से कोलार सिटी म्यूनसिपल के प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा उसके नतायज में मैं आपको अपने इस चैनल से पेश करूंगा। तो आप अपने इस चैनल से कोलार के सभी न्यूज़ देख सकते हैं। शुक्रिया। अगर आपको अपना इस चैनल पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आपके अपने दोस्तों के मोबाइल पर सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलिए। शुक्रिया।